रश्मि सिंह जी सेक्रेटरी एनडीएमसी, श्री दीपक सिंह जी सेक्रेटरी जनरल एसोचैम, श्री अतुल गोयल जी, श्री गाड़िया जी, श्री अग्रवाल जी, ऑल दी ऑनरेबल मेंबर्स, द लीडर्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, लीडर्स फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, अदर गेस्ट, डिस्टिंग्विश गेस्ट, मेंबर्स फ्रॉम द मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज सर आपका स्वागत करने में मुझे पर्सनली अत्यंत हर्ष हो रहा है और मैं खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं करीब 40 साल पहले दिल्ली आया था जब मैं 30 साल का था, तो आज का जो विषय है दिल्ली की सोच, तो मैं शुरू करूँगा 40 साल पहले की दिल्ली की क्या सोच थी। जब मैं दिल्ली आया 40 साल पहले, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली बस 45 लाख, और करेंटली अब देखें तो वही पॉपुलेशन बढ़ के 3 करोड़ हो गया है। एंड सर, इट हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर टोक्यो। जब 40 साल पहले आए तो कोई पॉल्यूशन जानते ही नहीं थे कि पॉल्यूशन होता भी क्या चीज़ है, एक्सेप्ट इन द डिक्शनरी और ये भी सब डिस्कशंस एक्सेट्रा। एंड सिमिलरली देर वॉज नो ट्रैफिक यार, बट अगर अपने आज देखते हैं तो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तीनों को मिला के जितना ट्रैफिक है, जितनी गाड़ियाँ, उससे अधिक गाड़ियाँ खाली दिल्ली में है। अगर अपने देखते लाइक नेचुरल बॉडी, 40 साल पहले यहाँ दिल्ली में बहुत हरियाली थी, काफ़ी नेचुरली पानी वगैरह, यमुना नदी अपने समझ सकते हैं उस वक्त क्या हालत में रही होगी। और उस वक्त मैंने एक भाड़े में मकान लिया महारानी बाग में 2500 रुपये महीने में। जब मैंने लोगों को कहा कि मैंने 2500 भाड़े में महारानी बाग में लिया है, तो बोले तुम इतनी दूर कैसे चले गए, तुम तो दिल्ली में हो ही नहीं। एंड टुडे इफ यू सी महारानी बाग इज सो मच सेंट्रल ऑल ओवर द थिंग, तो दिस इज अ बिग बिग डिफरेंस। उस वक्त अगर हम लोगों को कुछ भी परचेज करना होता, सिनेमा जाना होता या कहीं भी कुछ होता, तो खाली दो ही जगह था, या तो कैनॉट प्लेस या चांदनी चौक। अगर आज हम देखें तो हर जगह, ईच एंड एवरी कॉलोनी, दे आर फुल ऑफ रेस्टोरेंट, दे आर फुल ऑफ शॉप, दे आर फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड परहैप्स कोई को भी उसके बाहर जाने की दरकार ही नहीं। बट इफ यू एनालाइज प्रैक्टिकली, तो जब पॉपुलेशन 45 लाख से 3 करोड़ तक पहुंचा है, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके साथ पेश नहीं कर पाया। और मेरे ख्याल से यही कारण है कि धीरे धीरे दिल्ली बहुत डिटोरिएट हो गया है। यहाँ तक आ गया कि लोग सोचते हैं कि भाई दिल्ली में रहें भी नहीं रहें, अपने बच्चों को है, अस्थमा की बीमारी है, सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स विच आर कनेक्टेड विद दिल्ली। बट इसके साथ साथ कई अच्छी चीज़ें भी होती है, वी हैव टू ऑल्सो टॉक पॉजिटिव ऑल्सो। जैसे अपने देखे कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो 25% कम हो गया है, साथ साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी है अब ऑलमोस्ट देर इज नो पावर। बट आई मस्ट ऑल्सो एडमिट अप टू अ फ्यू ईयर्स बैक, ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि दिल्ली में भी कभी पावर कट नहीं होगा। अभी रिसेंटली इसी अगर आपने देखें तो पुराने स्टाइल में एक होंडा का लाल रंग का छोटा इतना बड़ा जनरेटर होता था, और अब कहीं भी कोई भी दुकान में जाएं, कहीं भी जाएं, तो वो जनरेटर वॉज ऑलवेज देयर, जो रस्सी खींचने से चालू होता था, तो भड़ करके वी विल फील द साउंड। कोई अगर कोई अपना मकान बनाता था, अपना फ्लैट बनाता था, तो कभी सोच नहीं सकता था कि आइदर विदाउट जनरेटर और विदाउट इन्वर्टर अपने मकान बना भी सकते हैं। पर तो जैसा अभी आपने देखा कल से ही कि नोबडी विल अलाउ टू यूज हिज जनरेटर, बट ये भी अपने जानते थे ऑलवेज अ टीचिंग प्रॉब्लम। आज जब मैं मॉर्निंग में पेपर पढ़ रहा था, तो देर वर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक से डिफरेंट प्लेसेज लाइक गुड़गांव वगैरह में कि जनरेटर से बिगड़ चले, प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नहीं होगा। बट देन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द राइट बिगिनिंग है दिल्ली में, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक। बट अ वेरी प्लेजेंट थिंग सर कि 1917 में, 2017 में, द रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल वॉज बेटर देन द रिजल्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स। Another very interesting thing what has happened is called EWS quota. कि कोई भी स्कूल ऑफ इनरेस्पेक्टिव ऑफ द हाइएस्ट स्टैंडर्ड है, उसको 20% जो उनके स्टूडेंट हैं वो उनको मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल वालों से लेना पड़ेगा। एंड आई वाज टॉकिंग टू माई सर्वेंट्स, दे वर सो एक्साइटेड, बोला साहब आजकल कई हम लोग में से ही
कई बच्चे इन सब स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, विच अगेन इज अ वेरी क्रेडिटेबल। सिमिलरली लेट्स टेक अ केस ऑफ मेडिसिन, उसमें ये है, एज आई वाज हियरिंग दैट फ्रॉम 1st of February ऑनवर्ड कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में मेडिसिन की कमी नहीं होगी और सब तरह का मेडिसिन मिलेगा। वन वेरी बेसिक थिंग वी ऑल नो अबाउट द निर्भय केस और वॉट एवर की दैट समथिंग वॉज हैपनिंग एंड शी वॉज लाइंग ऑन द रोड एंड नोबडी हेल्प्ड हर, यू सी। बट नाउ द लेटेस्ट थिंग व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन कि एनीबडी जिसके कि मान लीजिए रोड एक्सीडेंट होता है, एंटायर एक्सपेंसेस वुड बी पेड बाई द गवर्नमेंट इन द हॉस्पिटल एंड द पर्सन हू गोज एंड पिक्स द पर्सन एंड टेक्स हर और हिम टू द हॉस्पिटल अगेन देयर अगेन यू सी दे विल वांट इट। अदर थिंग इज डेंगू, तो इन द पास्ट यू नो ऑलमोस्ट किसी से भी बात करो तो उसके घर में कोई ना कोई तो डेंगू का प्रॉब्लम था ही, बट एज पर स्टैटिस्टिक्स 2015 में देयर वर 15,000 डेंगू इंसिडेंसेस हैपनिंग which this year is less than 500 and I like to know, I believe it is only 381. Which again is a very, very big support. Aaj apne beech mein we have got such illustrious speakers. We have got people with great thoughts. You know, we have gone through the agenda in the session 1, 2 and 3. We have got the top of the top people in the top of the top brains. So I am very confident that by the end of this session, we'll almost have a blue book, which I'm sure is going to help Kejriwalji and the entire team, what all can be done by that. Now the question is, so what is our vision? The question is, what are we looking forward in Delhi after a few years? I'd like to share my vision. You see, I'm over 70, I'm 76 actually. So I'm giving a vision where I've seen Delhi for the last 50 years, what can happen? Now first interesting thing is, कि अपने जो पुरानी मूवी देखते हैं, एज आई एम टोल्ड केजरीवाल इज वेरी फॉन्ड ऑफ सीइंग मूवीज एंड ओल्ड मूवीज, पुरानी मूवीज में कभी भी कोई भी लव स्टोरी चांद और सितारे के बिना कंप्लीट नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ चांद सितारे दिखते नहीं है, तो लव स्टोरी में बेचारे उनको लाइन नहीं खा सकता। सितारे दिखेंगे और लोग हिल स्टेशन या वहीं नहीं जाके यहीं से चांद सितारे में मजा करेंगे। सेकेंड व्हाट आई फील, यू सी वी हैव इंस्टीट्यूशन लाइक IITs, एज आई नो ऑफ द अरविंद जी एंड हिज बोथ द चिल्ड्रन हैव बीन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड दे ऑल डन थ्रू IITs, बट दैट इज वन इंस्टीट्यूशन विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नाउ व्हाई शुड वी नॉट हैव मेनी मोर सच इंस्टीट्यूशंस वेयर की लोग यहाँ से विदेश नहीं जाते, विदेश से यहाँ है, अपने कौन नहीं जानता है नालंदा यूनिवर्सिटी को, कौन नहीं जानता है खजुराहो को, उस पर वी हैव द हाईएस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड, तो व्हाई शुड वी नॉट वर्क ऑन दैट सर। सर रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट रोम वॉज बिल्ट डे आफ्टर डे आफ्टर डे टू बी वेयर रोम इज। वी डोंट एक्सपेक्ट रोम, वी डोंट एक्सपेक्ट दिल्ली टू